देखो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि देखो आपको मतलब कि अगर आप एयरटेल या फिर वोडाफोन या फिर आइडिया का सिम रखते हो तो यहाँ पे आपको जो है कुछ घाटा सहना पड़ेगा। देखिए अब क्या है, आपको इनकमिंग कॉल और जो आउटगोइंग कॉल आप करते थे वो अब आप नहीं कर पाइएगा, उसमें से आपको कुछ बैलेंस डलवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मतलब कि इनकमिंग कॉल जो आता था उसमें से आपको मतलब कि पैसा नहीं भी रहता था, 0 रुपये बैलेंस रहता था, तब पर भी आपको इनकमिंग कॉल आ जाता था, लेकिन अब जो है इनकमिंग कॉल नहीं आएगा। देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो है आपको मैं एक जो प्रूफ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इनकमिंग कॉल और आउट गोइंग कॉल करने के लिए आपके पास बैलेंस होना चाहिए, या आप जो है एयरटेल का यूज़र हो या फिर वोडाफोन का हो या फिर आइडिया का हो, किसी का भी यूज़र हो। तो यहाँ से आपको मिल रहा है, देखते हैं मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉल वाला ओपन करना है। कॉल वाला ओपन करने के बाद यहाँ पे जितने रुपये जितने से आप जो बैलेंस चेक करते हो एयरटेल का या फिर टेलीनॉर को हो, क्योंकि दोनों तो एक में ही मिल गया है, यहाँ पे मैं बैलेंस चेक करता हूँ *123#, और यहाँ से एयरटेल को सिलेक्ट करता हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे अगर एयरटेल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल रहा है मतलब कि कोड हमारा जो है रनिंग में है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो बैलेंस दिखाया था, मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो बैलेंस दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस दिखाया, और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 11 रुपये मेरे बैलेंस है, और ओ जी मतलब कि आउटगोइंग कॉल 20 दिसंबर तक वैलिड रहेगा, और इनकमिंग कॉल जो रहेगा 4 जनवरी 2019 को ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका आउटगोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल जो है दोनों में से कुछ भी पहले मेरा हो रहा है ख़त्म, आउटगोइंग कॉल मतलब कि आउटगोइंग कॉल जो मेरा 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, तो आपको भी चेक कर लेना है कि कैसे कितना और कब जो है आपका समाप्त होगा, और कैसे समाप्त होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी मतलब सभी यूजर्स के लिए, ना ही सिर्फ मेरे के लिए। देखिए आपको आउटगोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल को मतलब कि डेट जो रहेगा यहाँ पर मेरा कम है लेकिन आपका ज़्यादा रहेगा, अगर जितना पुराना का आपका सिम रहेगा उतना ज़्यादा आपका मतलब कि इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल वाला जो रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो है अभी देख सकते थे मेरा जो है कुछ समाप्त होने वाला है, 1 महीने के बाद मेरा जो है आउटगोइंग कॉल समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कितने कितने रुपए का रिचार्ज करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेटीएम को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, और इसका जो है प्लान क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल प्रीपेड के ऑप्शन पे जाइए, और मोबाइल प्रीपेड के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपको एक मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई भी ऐसा नंबर चूज कर लेता हूँ, एयरटेल का चूज कर लेता हूँ, और यहाँ से आपको क्या करना है, एक एयरटेल का नंबर को यहाँ से चूज कर लेना है। चलिए हम अपना एयरटेल नंबर को यहाँ से कोई चूज कर लेते हैं, और यहाँ से देख सकते हो इंटर अमाउंट अभी हम नहीं डालते हैं। देखिए ब्राउज प्लान का हमें एक जो मिल रहा है ऑप्शन, ब्राउज प्लान कर लेते हैं, और ब्राउज प्लान करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो प्लान है कुछ इस तरह का है, इंटरफेस हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसका जो पॉपुलर प्लान पे चलता हूँ, स्पेशल प्लान देख लेता हूँ, टॉप अप भी देख लेता हूँ, और यहाँ से देख सकते हो फुल टॉक टाइम भी आपको मिल रहा है और रोमिंग भी मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा जो है काफी प्लान है इसका, लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ तो आपको देख सकते हैं कम से कम आपको मतलब कि आपका अगर सिम को जिंदा रखना है, मतलब कि कहा जाए तो आपका सिम को अगर जिंदा रखना है मतलब कि आपको कॉल आना चाहिए या फिर कॉल जाए या नहीं, लेकिन कॉल आने के लिए आपको कम से कम 1 महीने में 35 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। जिसमें से 35 रुपये का आप रिचार्ज करेगा तो 26 रुपये देगा आपको बैलेंस, जिसमें से आप कॉल कर सकते हो, जैसा कि अभी आप लोग डलाते हो गए तो आपको पता होगा। और इसमें से आपको क्या करना होगा, मतलब कि आपका जब आउटगोइंग कॉल हो जाएगा समाप्त तो आप कॉल तो नहीं कर पाइएगा, उसमें से आपको मतलब कि 35 रुपये डलवाइएगा तो आपको 26 रुपये मिलेंगे, वो भी रहेगा 28 दिनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, 28 दिन में आपको 26 रुपये मिलेंगे अगर 35 रुपये का रिचार्ज करवाए तो। आपको 35 रुपये का रिचार्ज कम से कम हर एक महीना आपको करवाना होगा, जिसमें से 28 दिन के लिए वैलिडिटी रहेगा। अगर आप जो 35 रुपये सिम में मतलब कि आप एयरटेल का यूजर हो या फिर आपको आइडिया का हो या फिर वोडाफोन का हो, किसी का भी हो, अगर आप जो है 1 महीने में 35 रुपये नहीं डलवाइएगा तो आपका सिम जो है यहाँ पे मतलब कि आपका कॉल लगेगा भी नहीं और उस सिम पे कॉल आएगा भी नहीं। यहाँ दोस्तों ये बिल्कुल सच है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अभी जाइए और जैसे आप बैलेंस चेक करते हो एयरटेल का *123# और चेक करिए, और यहाँ पे आपको बता देगा कि कितना दिन आपका बचा हुआ है इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल, और ये कभी भी समाप्त हो सकता है जब जब आपका डेट लिखा रहेगा, जैसे कि मैं अपना दिखा दिया हूँ मेरा कब समाप्त होगा, आपका जब भी समाप्त होगा मतलब कि जो लिखा हुआ है उसी डेट के अनुसार समाप्त होगा। और ये जो है ये जो टर्म एंड कंडीशन अभी जो लागू हुआ है कुछ 2 दिन या फिर 5 दिन पहले से ये जो लागू हुआ है, लेकिन मैं अभी देखा हूँ और तुरंत मैं चकमका गया हूँ। आप इस ऑफर को जल्दी से जाकर देख लीजिएगा कि कब आपका समाप्त होगा, क्योंकि हो सकता है ये जो है समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपका अगर मन करे तो आपके मतलब कि आइडिया वाला सिम को पोर्ट करवा लीजिए, या फिर पोर्ट नहीं करवाना है क्या करना है आपको, अब आप समझिएगा। मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको क्या करना है, कम से कम आपको 35 रुपये का रिचार्ज करवाना है हर एक महीना, तभी आपका सिम चालू रहेगा।